तो हाँ भाई आगे सभी तो आज भी हमारे पास बहुत सारे न्यूज एंड अपडेट्स है अपने YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले इन सभी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर मार देना। ओके, तो बात करते हैं गौरव तनेजा के बारे में, यानी कि फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो आपको पता होगा कि फ्लाइंग बीस्ट कुछ दिन पहले एक पोस्ट किए थे, मतलब ट्वीट किए थे कि 17 मार्च को 1 PM से जानकीपुर दिल्ली के पास वो एक फ्री शो रखने वाले हैं जो लोग की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए। ये चीज फाइनली सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि वो खुद ही जाके टिकट बांट रहे थे फ्री के, जो लोग यहाँ पे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए। तो काफी अच्छा रहा ये, और इसके बारे में एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आइनॉक्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, यहाँ पे एक हमने शो बुक कराया जो 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको या आपकी किसी जरूरत किसी फ्रेंड को देखनी है मूवी तो आप यहाँ आ सकते हैं, 1 बजे शो शार्प स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो इस काम के लिए बहुत सारे इनको सराहना मिली और लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत सारे लोग खुश थे जो कि यहाँ फ्री में टिकट लेकर और काफ़ी अच्छी मूवी को देखा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक देखा है कि नहीं, और देखिए हो तो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और किस पार्ट पर आप बात करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं अमित भटाना के बारे में। तो आपको बता दें अमित भटाना की एक नई वीडियो जो कि राजपाल यादव सर के साथ आने वाली है, और उसका एक छोटा सा क्लिप या कह सकते हो कि छोटा सा डायलॉग जो कि राजपाल सर मारे हैं उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देते, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और मैं भी ये जो आने वाला वीडियो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो छोटा सा पहले आप क्लिप देख लो। क्या कहता है वो? मास्टर भी कह दे इसे ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित भड़ाना। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक सीन है और मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ गई है इस वीडियो के लिए। तो लेट्स सी, वेट करते हैं। और उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि आने वाला जो वीडियो है वो कब लाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि अमित भड़ाना सर की जो न्यू वीडियो आने वाली है वो कब लाई जाए। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी की एक न्यू वीडियो आ गई है शार्क टैंक, जिसको आपने देखा होगा और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे आशीष चंचलानी, और इसको लेकर वो एक पोस्ट भी किए थे जिनमें उन्होंने बताया था कि लास्ट 6 मंथ के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ। इसके अंदर उन्होंने लिखा था, लास्ट 6 मंथ वेयर वेरी स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग फॉर मी एज अ लॉट हैपन इन माई पर्सनल लाइफ, गॉड नोज वॉट वेयर नमनेस टूक ओवर मी, बट आई रियली थॉट आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स अ डिस्टर्ब्ड मेंटल स्पेस, बट स्टरडे वी फाइनली रिलीज्ड अ वीडियो एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड गिव्स अस मोर हैप्पीनेस। एंड साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, आई नो आई ऑलवेज शेयर विथ यू माई डीपेस्ट ट्रबल्स एंड ट्रॉमास लाइक अ फैमिली, बट टूडे मी एंड माई टीम बोथ आर वेरी हैप्पी विथ द रिस्पॉन्स यू ऑल गेव, सो थैंक यू सो मच, वी लव यू जस्ट ट्रेजरिंग दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा, काफी दिन बाद उनका एक नया वीडियो आया जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनको जा रहा है। एंड अगर आप भी उनका वीडियो ये देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो जाके। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं मिट पैट के बारे में। तो मिट पैट ने अपनी स्टोरी में एक पोस्ट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि थगेश के साथ उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जो कि 1-2 हफ्ते पहले ही आ गया है। थगेश भाव के साथ एक पॉडकास्ट आ चुका था स्पॉटीफाई पे, बहुत हो गया उसको 1-2 हफ्ते, बट आई नो तुम लोग ने वो सुना नहीं है तो जल्दी से चुपके सुनो, बहुत भाई मिची बहुत अच्छा पॉडकास्ट। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान को एक बंदे ने काफी कमाल की एक धमकी दे डाली जिसमें उसने लिखा था कि अगर आपने मुझे मैकबुक एयर M1 नहीं दिए तो मैं आपके वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दूंगा, और साथ ही साथ उसने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखा था, एड्रेस भी दिया है, और खुद से पेमेंट कर देना आपको सब्सक्राइबर की कसम। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उसका रिप्लाई देते हुए निश्चय मलन बोले, पुलिस को दे रहा हूँ तुम्हारा नंबर और एड्रेस, उनसे मांग लेना मैकबुक। और इसको इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, कतई मतलब धमकिया देखो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे धमकिया मत देना आप में से कोई यार, नहीं तो समझ रहे हो ना पुलिस आपके घर पे जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं गौरव जोन के बारे में। तो आपको पता होगा गौरव जोन काफी समय से जेल के अंदर थे और उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिल रहा था, बट फाइनली वो जेल से बाहर आ चुके हैं और उनका वीडियो भी आ गया उनके चैनल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और हर जगह वो एक्टिव भी हो चुके हैं। तो फाइनली यार बहुत अच्छी बात है कि वो बाहर आ गए और फिर से अब एक्टिव हो जाएंगे हर जगह। तो गाइस क्या हाल है, तो अभी नई वीडियो डाल दी है मैंने, तो मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी इसलिए मैं गया था, वो वीडियो के एंड में है, जाके देखो क्या मन्नत मांगी क्या पूरी हुई, लिस लिंक पे क्लिक करो और जाके चेक करो वीडियो को, नई वीडियो है ना डॉलर। हो रहे हैं 5:45 और 6 बजे की हमारी ट्रेन है, मात्र 15 मिनट में हमारी ट्रेन निकल जाएगी, आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ फिर बाद में फटाफट चल के।
ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं फुकरा इंसान वाइपिंग ब्लॉग और थारा भाई जोगिंदर मीटअप के बारे में। तो तीनों मिले थे और तीनों मिलकर रील्स भी बनाए थे और अपने स्टोरी पे पोस्ट भी किए थे और मेरे ख्याल से इन तीनों का एक नया कुछ आ सकता है या दो लोगों का आ सकता है या कुछ भी, मतलब रील्स आप देख के पता कर सकते हो। तो भाई जब मैं मिलने आया यहाँ पर फिजू भाई, वो मिले नहीं मेरे को, मिले जोगिंदर भाई। मैं यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, मैं सवाल एक ही है मेरा आपसे, बोलो बोलो। ये जो यू मारते हो दर्द नहीं होता, लोहे का सीन है। वैसे मैंने देख लिया जैकेट इतनी मोटी पहनते हैं कि जब मारे ना दर्द ना हो, निंजा टेक्निक है भाई, निंजा टेक्निक ब्रो। वैसे नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? सुनामी देखते हैं। ना ना ना, सुनामी बवंडर भूचाल खत्म। ओनली बिग बॉस, ओनली बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। यार मैं अभी आया मिलने के लिए फुकरा भाई से, फुकरा भाई तो मेरे को मिले नहीं, तो कौन मिल गया? अरे भाई जोगिंदर, कैसे हो? अच्छा आप बताओ ब्रो, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, सारा भाई इतनी रोटी खाएगा, इतनी रोटी खाएगा, सोची ना होगी। देन इसके ऊपर थारा भाई जोगिंदर पोस्ट करते हुए क्या लिखे, अगेन इट्स प्रूव दैट यू ओनली नो अबाउट पीपल व्हेन यू मेट देम, टॉक विद देम। टुडे आई मेट विद टू पीपल्स फ्रॉम आवर यूट्यूब कम्युनिटी एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड नाउ ऑनवर्ड, ओनली भाईचारा, समथिंग बिग इज कमिंग सून। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।